देखो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, हमने एम्पियर सर्किटल लॉ किया, कुछ एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे, जो हमने एप्लीकेशन की उसके न्यूमेरिकल्स हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ACL के ऊपर, एम्पियर सर्किटल लॉ के ऊपर, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं स्टार्ट करता हूं इस शीट से पहले एक क्वेश्चन से जो कि नीट और मेंस में एक एक बार आया हुआ है, एक एक बार क्या दो दो तीन तीन बार भी आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि सपोज आपके पास कोई सेट ऑफ वायर्स हैं, एक वायर नहीं है, आपके पास बहुत सारी वायर्स हैं, जैसे सपोज करो ये एक वायर है, ये दूसरी वायर है, ये तीसरी वायर है, ये चौथी, ये पांचवी, छठवीं, सातवीं, बहुत सारी वायर्स हैं। आप कह रही है वायर्स कैसे है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, आपको सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं मैं, वायर बोर्ड के अंदर है, राइट। कुछ वायर्स में करंट इनसाइड जा रहा है और कुछ वायर में करंट आउटसाइड भी आ रहा है, ये देखो कुछ में इनसाइड कुछ में आउटसाइड, ये गिवन होगा, ठीक है यहां तक। इसके आसपास आपको पेपर में गिवन होगा कि ये क्लोज्ड पाथ है, तो ये इमेजिनरी क्या है, एक क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड पाथ है, ये गिवन है आपको, ये गिवन है, ये करंट 7 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, ये 10 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है और ये 5 एम्पियर है, सारे करंट्स गिवन है, कुछ करंट अंदर जा रहे हैं कुछ बाहर आ रहे हैं। आपको इस फिगर का क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल क्या होगा क्लोज पाथ का, ये क्वेश्चन है। तो आपको ऑप्शंस गिवन होंगी, म्यू नॉट टाइम्स, बस यहां पर पुट करना होगा टोटल अमाउंट ऑफ करंट, तो क्लोज पाथ के अंदर कितना करंट है ये आपको यहां पुट करना है और आंसर मार्क करना है। अब जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ वो कभी कभी क्या करते हैं, क्लोज पाथ के अंदर कितना करंट है वो बोलेंगे 7 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3, गलत आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फ्लक्स काम करता था, जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं क्लोज बॉडी में और जितनी एग्जिट कर रही हैं, नेट फ्लक्स क्या हो जाता था, सेम है। करंट अगर बाहर जा रहा है, करंट अगर अंदर आ रहा है, तो करंट एड नहीं होंगे, बाहर आने वाले करंट एड होंगे, अंदर जाने वाले करंट ऐड होंगे और फिर दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो पहले बड़ा करंट देख लें मैग्नीट्यूड में, मुझे डॉट वाले करंट बड़े दिख रहे हैं, तो मैं इसमें क्या करूंगा, करंट लिखूंगा 10 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 5 माइनस 1 3 एंड 3, ये आपका आंसर होगा नेट। पॉइंट समझ में आया कैसे करना है, करंट्स ऐड करने हैं डॉट वाले और सब्ट्रैक्ट करने हैं क्रॉस वाले। हाँ, अगर मान लो क्रॉस का करंट बड़ा होता तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, बी डॉट एल नेगेटिव को निकालेंगे पॉजिटिव निकालेंगे, तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। तो ऐसे आपको ऑप्शंस गिवन होंगी, बस ये याद रखना ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही होगा, दो तो होंगे नहीं, तो बड़े जो भी एक डॉट वाले करंट ऐड करना क्रॉस वाले करना दोनों को माइनस करना, पहला स्टेप क्लियर हो गया। तो ये आपका इस टाइप की प्रॉब्लम ACL में आपको कॉम्पिटिशन में आती है, तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको लगाना आता है वो लगा लेगा। जो सेकंड टाइप की प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसी आती है, मान लो आपके पास इनफाइनाइट वायर है, इस इनफाइनाइट वायर के अंदर कितना करंट जा रहा है, 3 एम्पियर करंट जा रहा है और इसका रेडियस कितना है, 5 है। आपको इसमें बी निकालना है, कहां पर, 2 सेंटीमीटर वायर के इनसाइड, तो टोटल रेडियस कितना है, 5, और मुझे कहां निकालना है 2 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू क्या होगी 2 सेंटीमीटर। आपको अगर डेरिवेशन याद है, मैंने आपको वायर के बाहर, वायर के अंदर और वायर के ऊपर बी निकालना सिखाया था, आप चाहें तो फॉर्मूला बोल सकते हैं, बी का फॉर्मूला वायर के इनसाइड मैंने करवाया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था कुछ ऐसे, तो आंसर आ जाएगा। मेरे को फॉर्मूला थोड़े कम याद रहते हैं तो मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा, मैं क्या कर रहा हूं कि अगर ये 5 सेंटीमीटर की वायर है और 2 सेंटीमीटर में मुझे क्या निकालना है, बी निकालना है, तो मैं वहां क्या ले लूंगा, क्लोज्ड पाथ, तो मैंने क्या ले लिया, क्लोज्ड पाथ। इस क्लोज्ड पाथ का क्या निकाला, बी डॉट डीएल, बी इंटू डीएल की इंटीग्रेशन क्या होगी, 2 पाई आर, तो क्या लिखेंगे, बी इंटू 2 पाई आर, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, बी इंटू 2 पाई आर, क्या स्टेप क्लियर है, तो बी इंटू 2 पाई आर रेडियस की जगह 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट इंटू कितना करंट,
इस क्लोज्ड पाथ के इनसाइड जा रहा है। मुझे तो पूरी वायर का करंट 3 एम्पियर के बने, पर मुझे तो सिर्फ इस पोर्शन का करंट निकालना है, तो मुझे शेडेड एरिया का करंट निकालना है, राइट? तो ये करंट कैसे निकलता था एरिया वाइज याद है? तो अगर टोटल एरिया पाई इंटू 5 का स्क्वायर है पूरा एरिया, तो टोटल करंट कितना जा रहा है वायर में? 3, 1 के लिए 3 अपॉन ये एरिया, और मुझे कितने एरिया में करंट निकालना है? पाई इंटू 2 का स्क्वायर, तो इसको पाई इंटू 2 के स्क्वायर से क्या कर दिया, ये 2 का स्क्वायर है, यहां पर मल्टीप्लाई किया, करंट आ गया। इस करंट को यहां पुट किया, बी की वैल्यू आ गई। जिनको फॉर्मूला याद है फॉर्मूला पुट कर दें, जिनको नहीं याद वो क्लोज्ड पाथ बना के बी कैलकुलेट कर दें। तो आपको मेथड क्लियर है हाउ टू कैलकुलेट बी इसमें, तो बी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है ये यहां तक क्लियर है। अब अगर मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, 3 एम्पियर की वही वायर है, इस बार मुझे बी निकालना है इसके एक्सिस से 7 सेंटीमीटर पे। अब रेडियस वायर का 5 सेंटीमीटर है, मुझे निकालना है 7 सेंटीमीटर पे। 7 सेंटीमीटर का पॉइंट तो वायर के बिल्कुल बाहर लाई करता है। अब अगर वायर के बाहर लाई करता है तो मैंने क्लोज पाथ कितने सेंटीमीटर पे बना दिया, जहां पर बी निकालना है 7 सेंटीमीटर पे, तो इसका बी डॉट डीएल क्या होगा, बी इंटू 7 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू इस पेंसिल वाले क्लोज पाथ के अंदर कितना करंट है, टोटल 3। इस क्लोज पाथ के अंदर तो टोटल करंट 3 ही है, तो म्यू नॉट को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, आंसर आ गया। आप लोग मुझे ये करने से रोक सकते हैं कि ऐसा क्यों किया, सीधा फॉर्मूला लगाएं, बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर, क्योंकि हमने केस किया था थ्योरी में कि अगर इनफाइनाइट वायर है चाहे थिक है और अगर कोई पॉइंट बाहर लाई करता है तो उस केस में बी का फॉर्मूला इनफाइनाइट वायर का ही लगता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर। तो आप इसको इसकी बजाय सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते थे जिसके अंदर आप स्ट्रेट वे यहां पे लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू आई बाय 7 सेंटीमीटर, तो करंट को पुट करें सीधा आंसर आएगा। हाँ, अगर फॉर्मूला नहीं याद तो ऐसा कर सकते हैं, क्लोज पाथ बनाए आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो अगर वायर के इनसाइड कोई पॉइंट आएगा, आउटसाइड कोई पॉइंट आएगा, तो मैंने तो क्लोज पाथ बना देना है, तो वहां से अपना आंसर निकाल लेना है। तो मेरे को फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं, आपने अगर रजिस्टर लगा रखा है फॉर्मूला का, आपको याद है फॉर्मूला, आप फॉर्मूला लगा लें, भूल गए तो ये कर लें, जैसे भी ठीक लगता है। ठीक, नेक्स्ट है, ये वायर है, ये एक वायर है, इस वायर के अंदर ये जो वायर है, ठीक, इसके अंदर दो वायर्स हैं, एक वायर तो ये वायर है, अंदर वाली वायर है जिसके अंदर करंट कितना है आई, और जिसका रेडियस कितना है ए। इसके आसपास एक शेल है, सिलैंड्रिकल शेल, उस शेल के इस एरिया में से करंट नीचे जा रहा है आई डैश। तो यानी कि एक वायर तो अंदर है, इट इज सराउंडेड बाय अ सिलैंड्रिकल शेल, सिलैंड्रिकल शेल की बाउंड्री में करंट नीचे जा रहा है आई डैश और अंदर वाली वायर में ऊपर आ रहा है आई, राइट? तो ये जो रेडियस है ए है, यहां से यहां इस सर्कल का रेडियस कितना है बी है, और आखिरी सर्कल का रेडियस कितना है सी है। तो इसके अंदर ये जो रेडियस है वो ए है, ये जो डिस्टेंस है वो बी है, और ये डिस्टेंस सी है, ये गिवन है, क्लियर है यहां तक? मेरा पहला क्वेश्चन है कि मुझे बी निकालना है, मुझे बी की वैल्यू निकालनी है व्हेन आर लेस देन ए, मुझे बी निकालना है जब आर की वैल्यू ए से छोटी है, यानी कि मुझे मेरा पॉइंट कहां मिलेगा, यहां कहीं मिलेगा आर, जो अंदर वाली वायर है उसके अंदर मिलेगा आर, क्योंकि अंदर वाली वायर का रेडियस ए है और मेरे को तो आर ए से भी छोटा चाहिए। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं ये ए पॉइंट इसके इनसाइड है, कोई डाउट इसमें, सबको क्लियर है यहां तक? तो अगर मुझे बी की वैल्यू कहां निकालनी है, अगर मुझे B की वैल्यू यहां निकालनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ R, तो मैं क्लोज्ड पाथ भी कहा लूंगा, R रेडियस का क्लोज पाथ ले लूंगा, जहां मुझे B निकालना है वहां क्लोज पाथ ले लिया। इस क्लोज्ड पाथ के अंदर B डॉट DL क्या होगा, B इंटू 2 पाए R, क्योंकि क्लोज पाथ का रेडियस क्या है R, क्लोज पाथ में मैंने क्या लिया B डॉट DL, तो B इंटू 2 पाए R, क्लियर है? पहला स्टेप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I डैश करंट। अब ये I डैश क्या है, I डैश करंट है जो इस क्लोज पाथ के अंदर से पास कर जाए,
इस क्लोज पाथ के अंदर से जा रहा है, तो वो करंट लेना पड़ेगा। अब वो करंट कैसे निकलेगा? अगर मैंने ये पूरा एरिया लिया होता, अगर मैंने ये पूरा एरिया लिया होता जो कि कितना है पाए ए स्क्वायर, तो करंट कितना पास कर रहा था आई, और अगर वन लिया तो आई डिवाइडेड बाय पाए ए स्क्वायर, और अगर मैंने इसका रेडियस कितना लिया आर, तो क्या लिया पाए आर स्क्वायर, तो करंट क्या होगा आई बाय पाए आई ए स्क्वायर इंटू पाए आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, पाई से पाई कैंसिल, तो आई डैश की वैल्यू आ गई कितनी आई इंटू आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। स्टेप क्लियर है यहां तक? तो मैं इस आई डैश की जगह यहां वैल्यू पुट करूंगा 2 पाई इंटू आर म्यू नॉट टाइम्स आई डैश की जगह क्या वैल्यू पुट करूंगा आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई, आर से आर क्या हो गया कैंसल, तो आई डिवाइडेड बाय कितना ए स्क्वायर आर। क्या ये स्टेप क्लियर है? वैसे अगर आप शॉर्टकट लगाएं तो आप इस वायर के इनसाइड का फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते थे, डेरिवेशन जो की हुई है हमने उससे भी आंसर आ सकता था, बट आइडिया क्लियर है कैसे करना है। इसमें जो आई डैश नीचे जा रहा है वो इस क्लोज्ड पाथ के बाहर चला गया, हमने जो करंट लेना होता है वो हमेशा क्लोज पाथ के अंदर का लेना है, वो अलग क्वेश्चन है। अब इसके बाहर तो दुनिया भर का और करंट भी है, वो कैसे ले लें? अब ये करंट आए, ये आई डैश अलग है, अलग है, अभी रोल ही नहीं आया। आप अब यहां तो 3600 वायर्स होंगी, आपको आर कहां निकालना है आप ये देखें, आपको भी यहां निकालना है, तो आपका क्लोज्ड पाथ तो ये बना ना, और एम्पियर सर्किट लॉ कहता है कि इसके अंदर कितना करंट जा रहा है। अब इसके अंदर करंट तो यही जाएगा ना जो आई का पार्ट होगा, आई डैश तो इसको टच भी नहीं कर रहा, तो वो क्यों लेंगे? ये गॉस थ्योरम की तरह तो है, अगर क्यू डैश फेयर के बाहर पड़ा है तो वो क्यों लेंगे, उसके आउटसाइड अंदर वाला चार्ज लेंगे ना, तो करंट भी अंदर वाला लेंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां तक ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक, अब सेकंड केस करते हैं, एक और केस। मुझे आई जो अब मुझे बी निकालना है, इस बार जो मुझे बी निकालना है वो मुझे निकालना है आर डिस्टेंस पे विच इज ग्रेटर देन बी एंड लेस देन सी। अब देखो क्या हुआ, मुझे अब आर यहां कहीं निकालना है जो कि बी से बड़ा है और सी से छोटा है। सी तो बिल्कुल आखिरी का रेडियस है, सी ये रेडियस है, बी ये रेडियस है, और मेरा आर बी से बड़ा है सी से छोटा, तो यानी कि कहीं इसके इनसाइड बनेगा पॉइंट। क्लियर है यहां तक? तो अगर मुझे बी यहां निकालना है, इस पॉइंट में निकालना है, तो मैं कोई क्लोज्ड पाथ कहां लूंगा, यही लूंगा। तो ये लो, ये मैंने इसके अंदर क्या बना लिया, एक क्लोज्ड पाथ, ये लो। क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां तक मैंने क्लोज पाथ बना दिया। इस क्लोज पाथ का रेडियस क्या है आर, तो यहां पर बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट टाइम्स इस रेड कलर के क्लोज पाथ के अंदर कितना करंट है। अब मुझे इस क्लोज पाथ के इनसाइड जो करंट नजर आ रहा है, एक तो मुझे ये नजर आ रहा है जो मैं शेड कर रहा हूं, क्लियर है, जो तो इस वायर से आएगा, एक तो ये आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है, ये पूरे का पूरा करंट आ रहा है। क्या ये स्टेप क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? इस रेड कलर के इनसाइड क्या आ रहा है, इस रेड कलर के इनसाइड ये करंट भी आ रहा है पूरे का पूरा, और साथ में ये शेड ये वाला करंट आ रहा है सिर्फ। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो यहां पर करंट इसके अंदर कितना करंट है आए, ये पूरे का पूरा करंट कितना आए, और प्लस मुझे अब ये शेडेड करंट निकालना पड़ेगा, और ये शेडेड करंट कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये तो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो मान लो ये शेडेड करंट कितना है आई डैश, तो मुझे आई डैश को इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि एक ऊपर है और एक नीचे है। कोई डाउट इसमें? राइट, इसको लिख लेना, जो शीट का सोल्यूशन वो गलत है। ठीक है यहां तक? तो बी इंटू टू पाई आर में क्या करेंगे, आई तो लेंगे ही लेंगे, और इस शेडेड पोर्शन के अंदर आई डैश वाले करंट को क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि आई डैश डाउन जा रहा है और आई ऊपर जा रहा है।
मैंने ये कहा, फिर ध्यान से देखो, मैंने ये कहा मेरे को कहां निकालना है भी, मुझे यहां पे निकालना है। अगर मुझे भी यहां पे निकालना है तो ये रेडियस आर ले लें, तो मैंने इसमें क्या लिया, एक क्लोज्ड पाथ ले लिया, ये रहा, ठीक है। इस क्लोज्ड पाथ का रेडियस आर है, तो b इंटू टू पाई आर लिख लें, b डॉट dl इज म्यू नॉट टाइम्स। अब मेन चीज क्या है, करंट, राइट। करंट में इस रेड कलर का जो क्लोज्ड पाथ है इसके अंदर देखना, इसके बाहर नहीं देखना, आपको टोटल करंट कितना नजर आ रहा है। तो इसके इनसाइड आपको ये नजर आ रहा है, ये शेडेड करंट जाएगा, ये लो यहां करंट ही करंट है, ये ग्रे कलर का जो शेडेड एरिया है ये करंट ही करंट है, क्या ये पॉइंट क्लियर है, ये करंट आएगा। प्लस इसके अंदर ये जो वायर है ये भी तो बीच में फंस गई है, इसका करंट भी तो आएगा। तो म्यू नॉट इनटू इसका करंट कितना है, आई। मान लेते हैं इस येलो कलर में जो करंट जा रहा है वो जा रहा है आई वन, चलो आई डैश नहीं आई वन ले लो, चलो ठीक है। तो निकालना पड़ेगा आई वन, तो मैं क्या करूंगा, आई माइनस आई वन। अब ठीक है, आई करंट ऊपर जा रहा है, आई वन करंट नीचे आ रहा है, तो मैंने क्या किया, आई माइनस आई वन, कोई डाउट इसमें, ये स्टेप क्लियर है। तो अगर मैं आपको आई वन बता दूं आपका आंसर आ जाएगा बी का, आई तो गिवन ही है। अच्छा आई वन कैसे निकलेगा, आई वन करंट मैं किसे बोल रहा हूं, ये शेडेड वाले को बोल रहा हूं। आप मुझे ये बताओ कि ये बाहर का जो ये शेल बनाया मैंने बाहर का, इसका ये शेडेड एरिया कितना है ग्रे कलर का, तो इसका एरिया होगा पाई इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है, पाई इंटू आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया। तो अगर इतना एरिया है तो इसमें करंट कितना जा रहा था, आई डैश, इतने एरिया में तो आई डैश है। अगर वन है तो आई डैश डिवाइडेड बाई पाई इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये भी क्लियर है। पर मैं किसमें इंटरेस्टेड हूं, मैं तो इसमें इंटरेस्टेड हूं येलो कलर में, येलो कलर का एरिया बोलो कितना है, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि आउटर सर्कल आर है इनर सर्कल बी है, तो करंट क्या आएगा, आई डैश अपॉन पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आई वन। ये पूरे का पूरा सॉल्व करके क्या आएगा, आई वन। इस आई वन को मैं कहां पुट करूंगा, यहां पे, और सॉल्व करके क्या निकालूंगा, बी की वैल्यू आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, मेन पॉइंट कुछ नहीं है, मेन पॉइंट है ये शेडेड करंट कैसे निकलेगा, और निकलेगा कैसे, एरिया से निकलेगा। तो इस पूरे का एरिया ले, इसमें करंट कितना आई डैश, इसका एरिया ले लें तो करंट निकाल दें, वहां पुट कर दें, सॉल्व करके बी कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये टेक्निक है जिससे कि बी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेट। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, देखो। अब अगर मैं ये बोलूं कि मुझे डिस्टेंस ये गिवन है r, ये रहा, मुझे यहां पे क्या निकाल के दिखाओ, b निकाल के दिखाओ, तो अब मैं क्लोज पाथ कहां लूंगा, यहां ले लूंगा, तो क्या स्टेप लगाऊंगा, b इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू, बोलो म्यू नॉट टाइम्स, क्या लें, इसके अंदर करंट कितना दिख रहा है आपको रेड कलर के अंदर, आई, बाहर वाला तो लेना नहीं, तो क्या आएगा सिर्फ आई, ये लो। तो यहां से b की वैल्यू आएगी म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 2 पाई r इज द आंसर। तो यानी कि जहां पर भी b निकालना है वहां पर क्या ले लेना है, क्लोज्ड पाथ ले लेना, आंसर आ जाएगा, राइट। इसके बाद इस शेल वाली प्रॉब्लम के बाद, ये सारी शेल वाली प्रॉब्लम्स हैं, ये जो वायर वाली प्रॉब्लम्स हैं रादर, ये रही, ये हो गया, शीट की प्रॉब्लम है, शीट की प्रॉब्लम मैंने आपको करके दिखा दी, शीट की एप्लीकेशन में करके दिखाई थी, यहां से नहीं करेंगे, कर लिया हमने। और ये लास्ट रिजल्ट है आज का, इसमें ये मेथड हम सीखेंगे लेकिन इन द एंड हम फॉर्मूला ही करेंगे,
फिजिक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे चलते आ रहे हैं ग्रेविटेशन से अब तक. ग्रेविटेशन में लिया अर्थ, अर्थ के अंदर कर दी एक कैविटी, बोल दिया नेट बचा हुआ कैविटी करने के बाद उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बताओ कितनी है. फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स आया, एक चार्ज स्फीयर, उसके अंदर एक छोटा स्फीयर काट के फेंक दिया, उसके अंदर ई बताओ क्या है. किया था ना, एक फॉर्मूला किया था उसमें रो इनटू कुछ, हाँ रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट टाइप इनटू आर, राइट, ऐसे किया था, सही है. ठीक है, सेम प्रॉब्लम फिर आ गई. अब वो कह रहा है कि एक वायर है, एक वायर आपको के वायर, ये वायर का क्रॉस सेक्शन है, ये वायर का क्रॉस सेक्शन है, पूरा मोटी वायर है, लेंथ बोर्ड के अंदर है, ये क्रॉस सेक्शन है, और करंट कैसे जा रहा है बोर्ड के इनसाइड, बोर्ड के इनसाइड जा रहा है. क्वेश्चन है कि आपको मुझे यहां पर आर डिस्टेंस पे बी निकाल के देना है, पर प्रॉब्लम ये है इस बार करंट नहीं गिवन, इस बार क्या गिवन है, जे गिवन है, और जे का मतलब क्या होता है, करंट डेंसिटी. ये लीनियर करंट डेंसिटी नहीं है, ये शीट की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें करंट डेंसिटी का मतलब करंट अपॉन एरिया ही है, तो जे का मतलब करंट बाय एरिया. तो अगर आपको यहां पे आर डिस्टेंस पे बी निकालना है तो सबसे पहले क्या लेंगे, क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ में क्या लेंगे, बी इंटू 2 पाई आर, और म्यू नॉट टाइम्स करंट, करंट कैसे निकलेगा, जे का मतलब क्या है, करंट डेंसिटी, करंट बाय एरिया को इतने एरिया से क्या कर दें, मल्टीप्लाई. तो अपने को जो करंट चाहिए वो पाई आर स्क्वायर में चाहिए, तो जे को पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करके बी आ गया. तो एक नया फॉर्मूला आ गया कि किसी भी वायर के इनसाइड अगर आपको बी निकालना है इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी तो म्यू नॉट जे आर बाई 2, और अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखना है क्योंकि जे इज अ वेक्टर, आर इज अ वेक्टर, बी इज अ वेक्टर, वेक्टर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर देगा, तो ये फॉर्मूला अपने रजिस्टर में नोट कर लेना कि म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस आर फॉर्मूला होता है अगर किसी भी वायर के इनसाइड आपको बी निकालना है. इसको इसको शेड कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क करो, एनसीईआरटी में नहीं आएगा वैसे, तो ये शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव में लगेगा. किसी भी वायर के इनसाइड बी का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाई 2. कोई डाउट इसमें, ये पॉइंट क्लियर है यहां तक. आगे अब असली क्वेश्चन क्या है, असली क्वेश्चन थोड़ा है ये, तो फॉर्मूला है ये यूज करना है. असली क्वेश्चन है ये एक बड़ी वायर है, इस बड़ी वायर में करंट अंदर जा रहा था, करंट डेंसिटी जे, इसके अंदर से मैंने एक छोटा पोर्शन काट के फेंक दिया, कैविटी कर दी, इस कैविटी के अंदर पी पॉइंट है, वहां पर बताओ बी की वैल्यू क्या होगी. पूरी वायर की वजह से मुझे पता थी क्या थी, इस वायर के इस पोर्शन को काटने के बाद पी पॉइंट पर बी क्या होगा, ये क्वेश्चन है. रूल वही है इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला, पहले हम इमेजिन करेंगे कि हमने कोई नहीं काटा, पूरी वायर है, पूरी वायर का बी निकाल दें पी पॉइंट पे, पूरी, और मान लो इस ओ से पी पॉइंट की दूरी आर वन है, ओ से सी पॉइंट की दूरी आर है, मतलब दोनों के सेंटर की दूरी आर वेक्टर है, और सी इसके सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस आर टू वेक्टर है, तो ट्राइंगल लो क्या कहते हैं, आर वेक्टर प्लस आर टू वेक्टर इज इक्वल टू आर वन वेक्टर, तो आर वेक्टर क्या होगा, आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर. चलो इसको बाद में यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखते हैं. पूरी वायर है, पूरी वायर अगर मान लो कैविटी नहीं की, पी पॉइंट है, और आपसे पूछता हूं कि सेंटर से पी पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ आर वन वेक्टर, तो बोलो पूरी वायर पी पॉइंट पर क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, म्यू नॉट बाई टू जे क्रॉस आर वन वेक्टर, क्योंकि इस पॉइंट की दूरी यहां से कितनी है, आर वन वेक्टर, तो सेम रिजल्ट लगा दिया मैंने, कोई डाउट इसमें. अब इमेजिन करो सिर्फ करंट इस कैविटी में जा रहा है, बाकी कोई वायर नहीं है, ओनली कैविटी, कैविटी में अगर करंट जा रहा है, कैविटी पी पॉइंट पर क्या कंट्रीब्यूट करेगी बी का, कैविटी से इसका डिस्टेंस कितना है आर टू, तो अगर कैविटी कैविटी में करंट है, बाहर कहीं करंट नहीं है, तो कैविटी ने पी पॉइंट पर क्या कंट्रीब्यूट किया, म्यू नॉट बाय टू जे क्रॉस आर टू. तो हमने क्या किया, एक बार बी निकाल लिया बिना कैविटी के, एक बार हमने कैविटी का कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, लेकिन कैविटी को तो हमने कैविटी के अंदर जो करंट है उसको तो बाहर फेंक दिया, तो उसकी बी की वैल्यू टोटल में से क्या कर दी, माइनस. इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. पहले एज इट इज सारा निकाल लिया, फिर कैविटी का कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, उसको माइनस करके बचा हुआ आंसर आ गया. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, वेक्टर लॉस ये आर वेक्टर है. फॉर्मूला इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, फॉर्मूला क्या आएगा, आपने प्रूफ थोड़ी ना करना पेपर में जाके, वहां पे आपने फॉर्मूला लगाना है. क्या फॉर्मूला, कि अगर आपके पास ये पूरी वायर है, वायर में क्या कर दी, कैविटी, और
दोनों के सेंटर्स में डिस्टेंस कितने है? आर वेक्टर। दोनों के सेंटर में दूरी कितनी है? आर वेक्टर। तो नेट रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट बाय टू जे क्रॉस आर वेक्टर। ये फॉर्मूला बिल्कुल फ्लक्स की तरह, जैसे आप बता रहे हो फ्लक्स में भी कैविटी के अंदर ई कॉन्स्टेंट होता था, इसमें भी सेम है, कैविटी के अंदर बी कॉन्स्टेंट है, और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है? आर वेक्टर पे डिपेंडेंट है, दोनों के सेंटर के बीच में डिपेंडेंट है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा सीधा का सीधा क्या अप्लाई करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्रूफ सब समझाने के लिए था, राइट?